देवास रोड पर खनिज विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। अवैध परिवहन करने वाले 6 डंपरों को जब्त किया गया है। खनिज विभाग की टीम ने शुक्रवार को अवैध रेत परिवहन करने वाले डंपर चालकों के खिलाफ कार्यवाही की है। देवास रोड पर हुई कार्यवाही में उन सभी 6 डंपरों को जब्त किया गया है जिनमें क्षमता से अधिक बालू रेत भरी गई थी। खनिज विभाग की टीम ने 5 डंपर नरवर थाने तथा 1 डंपर नागजीरी थाने को सुपुर्द किया है। माल सहित 1 डंपर की कीमत 40 लाख बताई जा रही है। वाहन सहित कुल माल की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देखिए, आज सुबह से जो कार्रवाई चल रही थी उसमें 6 हाईवा जब्त किए गए हैं जो सभी बालू से अवैध परिवहन से संबंधित थे। और वाहनों की अगर कीमत आप देखेंगे तो 1 डंपर की अगर कीमत ऑन एवरेज 40 लाख अगर आप लगाते हैं तो उस हिसाब से जो भी कैलकुलेशन है वो पैसा आएगा उस पर करोड़ों पर। ये लोग रेत का परिवहन कर रहे थे लेकिन इनके पास जो अवैध परिवहन पत्र थे उसमें दर्ज मात्रा से ज़्यादा मात्रा का खनिज परिवहन कर रहे थे। माननीय मंत्री जी के निर्देश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश हैं कि वैध क्षमता से अधिक वाहनों का परिवहन ना किया जाए, उसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश